नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे डीवी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आप देख रहे हो रास गोली, और आज मैं आ रखा हूँ, आपने बी बैल तो मेरे सिर में देख लिया होगा, तो आज मैं आ रखा हूँ एक मधुमक्खी का स्वार्म पकड़ने के लिए यहाँ पे। और आधा मधुमक्खी का स्वार्म मैंने कैप्चर कर लिया है, लेकिन आधा यहाँ पे बचा हुआ है। गाइस करीबन 7-8 फ्रेम की ये मधुमक्खियाँ हैं, और आधा स्वार्म मेरे इस बैग में है, आधा यहीं पे है। और रानी मैं अभी यहाँ पे ढूंढ नहीं पाया हूँ, रानी मिलेगी तो बढ़िया है। और मैं रानी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं रानी इस स्वार्म बैग में गया गई या नहीं गई है। और यहाँ पे बच्चे भाई आज पहली बार ऐसा कैप्चर देख रहे हैं कि मधुमक्खी पकड़ रहे हैं, तो इस वजह से सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और मधुमक्खी का स्वार्म देख रहे हैं। भाई भाई कैसे हाथ इन्हें पकड़ रहे हैं, इन्हें काट नहीं रहे हैं। तो भाई आपको बता दूं, मैं बहुत ही जल्दीबाजी में मैं आया हूं, मुझे लगा पता नहीं है या नहीं है, किसी ने मुझे बताया यहां पे मधुमक्खी का स्वार्म आ रखा है। मैं हापी में निकल गया भाई, और भाई इतनी जगह काट लिया, मैं मतलब पूरी सेफ्टी में आया ही नहीं हूँ। ये देखिए गाइस, आधा हनी बीज यहाँ पे है और आधा स्वार्म मैंने बैग के अंदर कैप्चर कर लिया है। मेरे पास कुछ भी गैजेट नहीं है जिनसे मैं अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ, अभी मैंने मंगा रखा, मैं जल्दीबाजी में आया, तो आधा तो स्वार्म मैंने अंदर कर लिया है, अभी आधा बाकी है। इन्हें भी बहुत जल्दी अंदर बैग के अंदर कैप्चर कर लूँगा, तो करता है इन्हें धीरे धीरे कैप्चर, टाइम लगेगा लेकिन कैप्चर हो जाएगा। और भाई आज डेट है अप्रैल 8 तारीख, तो आज के दिन ये स्वार्म निकला है यहाँ पर से, इस घर से, तो सीधे यहीं पे आके बैठा है। गाइस बहुत सारी मेहनत करने के बाद मेरा पूरा सामान अब आया, ये देखिए ये बैग यहाँ पे पूरा मधुमक्खी का, बी बैल वगैरह, ग्लव्स वगैरह। तो अब ये लगभग पूरा स्वार्म कैप्चर हो चुका है, ये देखिए। अब 2-4 मधुमक्खियाँ जो है वो बाहर घूम रही है, वो भी बहुत जल्दी इसके अंदर चली जाएगी। और ये स्वार्म अप्रैल के 8 तारीख ये स्वार्म निकला है हमारे यहाँ पे, और बतेरे स्वार्म आजकल अप्रैल के महीने में निकल रहे हैं, मार्च में पता नहीं क्यों नहीं निकल रहे हैं, अप्रैल के महीने में कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं। तो ये बस कैप्चर हो गए हैं, और आपको दिखाऊंगा जहाँ से ये निकले हैं, इस वाले यहाँ पे एक छेद है, पुराना घर है, यहाँ से निकले हैं ये, तो वो भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल करते हैं इस स्वार्म को कैप्चर, और ये देखिए बच्चे फुल आनंद ले रहे हैं कि भाई ये कैसे पकड़ रहे हैं इन्हें और काट नहीं रहे हैं। शायद मेरे गाँव में ये पहली बार किसी ने देखा कि ऐसे मधुमक्खियों को पकड़ते हैं, और सभी देख के दंग हो गए हैं। फाइनली गाइस ये देखिए पूरा मधुमक्खी का स्वार्म मेरे पास है अभी, और ये मेरा गांव का एरिया है, ये पूरा जंगल है और बहुत बड़ा गांव है यहाँ पे, पुराना गांव है, और जो पुराने घर होते हैं उन पे ये मधुमक्खियाँ थी, क्योंकि पुराने टाइम पे बहुत सारे लोग मतलब मधुमक्खियों के लिए घर बनाते थे अपने पुराने घरों पे। और भाई जिस घर पे मैंने ये मधुमक्खियाँ देखी ना, करीबन 3 जगहों पे मधुमक्खियाँ बैठी थी, वहाँ 3 जगह मधुमक्खियों के छत्ते थे और ऑटोमेटिक वहाँ आए थे। और गाइस मैं आपको बता दूँ, जो जिनके घर पे वो मधुमक्खियाँ हैं यहाँ पे, किसी को शहद निकालना नहीं आता है, फिर किसी को पता भी नहीं है कि मतलब कैसे करके क्या करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए भाई ऐसा नहीं है कि मुझे काटा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जब किसी ने बताया था कि मधुमक्खियाँ हैं तो मैं दौड़ के सीधे आ गया था, वो भी सिर्फ एक बी बैल रख के अपने पास, क्योंकि इससे पहले मुझे 2-3 जगह बहुत सारे लोगों ने बताया कि मधुमक्खियाँ हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया मुझे 1-2 दिन बाद बताया, मैं जाऊँ वहाँ से मधुमक्खियाँ गायब हो जाए, या फिर आज देखा किसी ने, कल बता दे, तो कल तब तक वो स्वार्म भाग गया। तो इसीलिए मैंने देर ना करते हुए सीधे अभी निकल गया, और ये स्वार्म अभी अभी हुआ था, मतलब बैठ ही रहा था छत्ते से निकल के बाहर, जो पुराने घर होते हैं उसके दरारों से, क्योंकि ये स्वार्म ले रहा था, और शुक्र हुआ ये किसी ने बता दिया और मैं गया और मैंने कर लिया कैप्चर। और वहाँ पे मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं था, इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो बना रहा था और इस स्वार्म को कैप्चर कर रहा था। ये देखिए भाई, जब मैं कुछ नहीं ले गया था, हाफ बाजू थे, तो बहुत जगहों पे मुझे मधुमक्खियों ने भी काटा है, जब जैकेट वगैरह मैंने पूरे सब चीज़ मतलब पूरे कपड़े पहने और बी बैल ग्लव्स वगैरह, तो पूरा एकदम ये स्वार्म मैंने फिर कैप्चर कर लिया, नहीं तो थोड़ा बहुत मुझे स्वार्म काट रहा था और इस पर कर रहा था, क्योंकि अगर टोकरी रहती तो शायद 2 मिनट में स्वार्म कैप्चर हो जाता, और इसमें बड़ी थोड़ा बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन बाद में पूरा स्वार्म इसके अंदर ऑटोमेटिक खुद आ गया था। ये देखिए दोस्तों, जल्दबाजी में हाथ के क्या हाल हो चुके हैं,
यहाँ पे भी लाल हो गया है, ये पूरा सूज गया है। ये देखिए दोनों साइड से मतलब लगातार मधुमक्खियों ने काटा है, इधर भी काटा है, बतेरी जगह काटा है। पर लेकिन ये तो भाई हमारे लिए अब आम बात हो गई है। और गाइस बता दो, एक बॉक्स मैंने ये ट्रैप करने के लिए रखा है, आधुनिक बॉक्स है। और गाइस एक बॉक्स मेरा ये है, तो यहाँ पे भाई मधुमक्खियाँ है, तो इन पे मैं कहीं से लाया था, तो इन पे तो मधुमक्खियाँ आए, करीबन 3-4 महीने हो गए इन पे मधुमक्खियाँ हुए। फाइनली गैस ये देखिए अभी मेरे सामने बीज नज़र आ रहे हैं, तो मैं अभी इसको इस बॉक्स में डाल रहा हूँ यहाँ ऊपर से, तो सभी बॉक्स में जा रहे हैं और कुछ कुछ बीज बॉक्स से बाहर निकल रहे हैं और फिर संकेत दे रहे हैं कि भाई अंदर निकलो, आपको दिखाता हूँ पास से। ये देखिए गैस ये पूरे अंदर की ओर जा रहे हैं और यहाँ से मैंने बीज को अंदर झाड़ा, लगभग लगभग थोड़ा बचे हुए हैं और सारे अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ ऊपर से एक छेद है, वहाँ से अंदर जा रहे हैं बीज। और थोड़ा बहुत बचे हुए हैं वो भी अंदर चले जाएंगे और एंट्रेंस से बाहर आ रहे हैं। और मैंने लगा रखा है यहाँ पे क्लीन गेट, इसमें ड्रोन भी है, तो ड्रोन अंदर ही रहेंगे फिलहाल जब तक पुलर ना लाएं। और मैंने इसमें एक फ्रेम दे दिया है ब्रूड का, जिसमें एग और लार्वा और सील ब्रूड है वो दे दिया, और थोड़ा बहुत हनी है और वैक्स सीड भी दे दी है मैंने। करीबन 5 फ्रेम मैंने इसमें दे दी है, करीबन 6 फ्रेम की मधुमक्खियां है ये। इतना सारा ये देखिए पूरा न्यू स्वार्म आज भाई। और करीबन गाइस मैं मार्च के टाइम से लगातार मधुमक्खियों का स्वार्म ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला, और मार्च लास्ट लास्ट से मधुमक्खियों का स्वार्म यहाँ हमारे उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं, तो यहाँ स्टार्ट हुआ ये स्वार्म। और अब स्वार्म निकलने बैठ गए हैं, बतेरे स्वार्म नज़र आ रहे हैं। लेकिन भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, एक जगह मतलब बतेरी जगह मैं रह नहीं सकता हूँ, और बहुत लोगों को मैंने बता रखा है कि भाई आपको अगर कहीं भी मधुमक्खियाँ दिखे तो बता देना, और बहुतों को दिखी है लेकिन उन्होंने 1-2 दिन बाद बताया। और फाइनली आज ये स्वार्म निकल रहा था तो उसी वक्त मुझे कॉल आ गई और मैं पहुँच गया और मैंने ये कैप्चर कर लिया। तो देखते हैं कॉलोनी कब तक चल पड़ती है। तो आज अभी दोपहर का टाइम है, 2 करीबन 12-1 बजे बज रहे हैं, तो अभी मैं इन्हें बॉक्स में दे रहा हूँ, और मैंने सुबह के करीबन 10 बजे ये स्वार्म पकड़ लिया था। बैठाते हैं फिलहाल इनको। यहाँ पे गाइस मैंने क्वीन गेट बाहर निकाल दिया है क्योंकि ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ड्रोन भी थे और कहीं ड्रोन बाहर ना छूट जाते, इस वजह से मैंने क्वीन गेट निकाल दिया है। और लगभग लगभग सारे मधुमक्खियाँ फ्रेम के अंदर चली गई है, बॉक्स के अंदर चली गई है, थोड़ा बहुत अंदर बाहर कर रहे हैं ये तो करेंगे ही। और थोड़ी देर में लगाता हूँ क्वीन गेट, क्योंकि जिससे कि अभी एकदम न्यू रानी है, मतलब मिट्टी बिल्कुल न्यू रानी है ये, तो देखते हैं कब तक पोलन लाते हैं ये वाले बॉक्स। और इस पे लगाऊंगा मैं 2-4 दिन तो क्वीन गेट लगाऊंगा ही, क्योंकि अगर अचानक भाग गए तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा बहुत ही घूम रही है बाहर, बाकी सारे बॉक्स के अंदर है, और ड्रोन यहाँ पे अभी बाहर नहीं दिख रहे हैं, ड्रोन निकल गए हैं अंदर, बाकी जो बीज है बाहर घूम रहे हैं कुछ यहाँ पे और कुछ ये। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको मधुमक्खी के बारे में? आज पहली बार मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे पास बॉक्स थे लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया। आज पहली बार स्वर्म पकड़ा है, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए गाइस करीबन 15 दिन बाद मैं आपको ये बॉक्स दिखा रहा हूँ जिससे मैंने स्वार्म निकाला था, जैसे कि आपने इससे आगे वाली वीडियो में देखा था। ये देखिए और इसमें अभी ड्रोन भी बहुत सारे हैं, ये देखिए सामने ड्रोन उड़ रहे हैं, ये तो जो ये मोटे नज़र आ रहे हैं ये ड्रोन है। और इन्होंने एक ही हफ्ते में मतलब
छह फ्रेम की मधुमक्खियां थी ये, और छह के छह फ्रेम बुन दिए थे एक ही हफ्ते में, सारे फ्रेम बुन दिए थे। और अभी दोपहर के टाइम पे सारे ड्रोन बाहर आ रहे हैं, तो ये भाई हमारे कॉलोनी चल पड़ी है। और क्वीन ने बहुत ही अच्छे एग ले कर रखे हैं, और शायद अब तो किसी किसी में लार्वा भी निकल गया होगा, मैंने चेक नहीं किया करीबन 2-4 दिन से, क्योंकि इसमें मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा है और अभी मैं इन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूँ। तो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर दिखाएंगे इन डिब्बों की मधुमक्खियाँ। और जो दूसरा डब्बा है मेरा, वो उस साइड है, और देखिए मैंने ट्रैप लगा रखा है, एक ये डब्बा यहाँ पे रखा है और एक बॉक्स ये रखा है, और सिर्फ अभी मेरे पास दो बॉक्स में मधुमक्खियाँ हैं। देखते हैं, अगर स्वार्म मिलेंगे मुझे और, तो उन्हें पकड़ेंगे, नहीं तो इन्हीं बॉक्स से आगे बॉक्स बढ़ाते रहेंगे। तो अब तो धीरे धीरे यहाँ भी फुल इंड होने के कगार पे हैं, और गर्मियाँ शुरू होने बैठ गई है, ये देखिए किस हालत में है, और फार्मिंग भी बिल्कुल लगभग लगभग बंद हो चुकी है इधर। कैसी लगी आपको मेरी ये मधुमक्खी वाला व्लॉग? अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तो गाइस जो नए नए बी कीपिंग कर रहे हैं, उनको भी मतलब जब जुड़ते रहेंगे वो मेरे साथ, तो देखते रहेंगे कि भाई कि कैसे करके मैंने दो बॉक्स से 50, 60, 70, 80, 90, 100 इतने बॉक्स बनाऊंगा। तो जुड़े रहना साथ में, और एक चैनल बनाऊंगा मैं नया अलग से मधुमक्खी रिकॉर्डिंग पर, लेकिन अभी इसी पे डाल रहा हूँ, तो वो बनाऊंगा, और उस चैनल पे अलग ही से मधुमक्खियों की व्लॉग आएंगे। तो अभी के लिए बाय।